तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना फ्री फायर का पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है, अगर आप अपने फ्री फायर को फेसबुक आईडी से लॉग इन करके रखे हो तो उसका पासवर्ड कैसे चेंज करोगे, और अगर आपने अपने फ्री फायर को गूगल अकाउंट से यानी कि ईमेल आईडी से लॉग इन करके है तो उसका पासवर्ड कैसे आप चेंज करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं फ्री फायर का पासवर्ड चेंज करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्री फायर का पासवर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा तो उसको आपको ओपन करना है, और क्रोम ब्राउजर में दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। ठीक है, गूगल को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक चेंज पासवर्ड। अगर आपने अपना फ्री फायर को फेसबुक आईडी से लॉगिन करके रखा है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना है फेसबुक चेंज पासवर्ड। गूगल में आके आपको फेसबुक चेंज पासवर्ड सर्च करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। अगर आपने अपना फ्री फायर को फेसबुक आईडी से लॉगिन करके रखा है तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड बोलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अभी आपका फेसबुक का पासवर्ड है, जो फ्री फायर का आपका अभी का पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे अभी का अपना पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद जो पासवर्ड आप फ्री फायर का नया रखना चाहते हो वो यहाँ पे न्यू पासवर्ड पे डालना है, उसके बाद रिट्राई पासवर्ड न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डाल देना है करंट पासवर्ड, और यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करते ही यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा, आपको इंतजार करना है। उसके बाद आपके सामने पासवर्ड चेंजेड का ऑप्शन आएगा। अब नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अब ये पासवर्ड आपका फेसबुक का भी चेंज हो चुका है, और जिस तरह से आपने फेसबुक से अपने फ्री फायर में लॉगिन करके रखा है तो आपका फ्री फायर का भी पासवर्ड अब चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आपने अपना फ्री फायर को गूगल अकाउंट से यानी कि ईमेल आईडी से अगर लॉगिन करके रखा है तो उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है चेंज पासवर्ड। अगर आपने ईमेल आईडी से फ्री फायर में लॉगिन करके रखा है तो चेंज पासवर्ड सर्च करना है, और नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने फेसबुक में लॉगिन करके रखा है उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अपना पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है, उसके नीचे कन्फर्म न्यू पासवर्ड डाल के चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने न्यू पासवर्ड डाल दिया है, कंफर्म न्यू पासवर्ड भी कर दिया है। अब हम यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही यहाँ पे योर पासवर्ड वाज चेंज्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का ऑप्शन भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते ही हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ईमेल आईडी का भी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ्री फायर पासवर्ड को चेंज कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर आपने फेसबुक से फ्री फायर में लॉगिन करके रखा है तो उसका भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर आप फ्री फायर को गूगल अकाउंट से यानी कि ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा है तो उसका भी पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। अगर आप सीख गए हो कि फ्री फायर का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं नई वीडियो में।